हेलो एवरीवन, आई एम रुपिंदर कौर, डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, RPIIT कैंपस करनाल। इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट द फ्रंट ऑफिस मैनेजर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द जॉब टाइटल इज फ्रंट ऑफिस मैनेजर एंड ही रिपोर्ट्स टू द जनरल मैनेजर, रेजिडेंट मैनेजर और रूम डिवीजन मैनेजर्स। डिपेंड करता है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, कितने हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मतलब कि वो 4-स्टार प्रॉपर्टी है, 5-स्टार है या 5-स्टार डीलक्स है, उसी हिसाब से ही वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सो हम जनरली जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है वो जनरल मैनेजर को ही रिपोर्ट करता है। डिपार्टमेंट्स कौन से डिपार्टमेंट्स के हैं, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज किने करेगा, सारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ को, ऑल द फ्रंट ऑफिस पर्सोनल, जितना भी हमारा फ्रंट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उन सबको सुपरवाइज करेंगे फ्रंट ऑफिस मैनेजर। बेसिक फंक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल सेक्शंस अंडर द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट टू इंश्योर द हायर गेस्ट सेटिस्फैक्शन विद द होटल्स अकोमोडेशन एंड सर्विसेज। फ्रंट ऑफिस मैनेजर की ये ड्यूटी रहती है कि ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स वो ये कंफर्म करेंगे कि हमारे पास जितना भी है स्टाफ है क्या वो अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है, इफ़ेक्टिवली कर रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे पास गेस्ट स्टे करे हुए हैं होटल में, जितने भी ऑक्यूपाइड हैं रूम्स, वो सभी गेस्ट को जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं, चाहे वो आपका रूम सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो और इवन फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड हो, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुल होनी चाहिए, तभी एक गेस्ट का जो स्टे है वो सेटिस्फेक्शन स्टे बनेगा। कि अगर ड्यूरिंग स्टे गेस्ट सेटिस्फाई नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, सो वो इन फ्यूचर हमें लॉस देगा। इट मीन्स वो या तो हमारे होटल में रुकेगा ही नहीं, या बाकियों को भी रिकमेंड करेगा कि नहीं रुकना क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही हार्श हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओवरऑल गेस्ट का जो स्टे है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होनी चाहिए। उसे बनाने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, सेटिस्फैक्शन देने के लिए गेस्ट को, हमारा पूरे होटल स्टाफ को एकजुट होकर मिलकर काम करना होता है, ताकि सारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ अब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को कर सके और जिससे ऑटोमेटिकली हमारा गेस्ट का जो सेटिस्फेक्शन है स्टे का वो पॉजिटिव आए। सो यही सारी चीज़ फ्रंट ऑफिस मैनेजर के अंडर आती हैं। वो अपने अपने ड्यूटीज़ के हिसाब से और अपने जो डेजिग्नेशन के हिसाब से अदर पर्सन को ये ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ द सेक्रेटरी। ये जो जॉब टाइटल है ये सेक्रेटरी का है फ्रंट ऑफिस का, जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, इट मे बी ही और शी, और ये डिपार्टमेंट इनका फ्रंट ऑफिस है। इनकी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रेटरियल एज वेल एज क्लैरिकल जॉब ऑफ द फ्रंट ऑफिस मैनेजर, कि इन्होंने सेक्रेटरी तो हैं ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर के, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो क्लैरिकल जॉब्स हैं वो भी इन्हें पूरी करनी पड़ती हैं। जितना भी डाटा है, कोई रिपोर्ट्स है, कोई फाइल्स हैं, वाउचर्स का रिकॉर्ड है, वो सारा इन्हें अपडेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द अदर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, और जिसे ये फ्रंट ऑफिस मैनेजर को डेली रिपोर्ट में उन्हें रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। सो जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर हैं उसी रिकॉर्ड के बेस पर ही वो फ्रंट ऑफिस की जो मॉर्निंग में जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग होती है उसमें वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उन मैनेजर्स को, GM को देते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरी और हमारा फ्रंट ऑफिस मैनेजर का जॉब था, ये इनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और ये इसमें ये पूरा डिफाइन किया गया है कि किसे रिपोर्ट करेंगे और किसे सुपरवाइज करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RPIIT Academic।